गीत से लेके खेल तक के सफर की बात करें तो क्या ज्यादा आपको पसंद है, गीत या खेल? देखो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह जरूरी भी है और अपनी अपनी जगह शान भी बढ़ाती है दोनों चीजें। अगर मैं अपने नॉर्थ इंडिया की लगभग बात करूं, खासकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब की, तो यहां खेलों का ज़्यादा महत्व है और जरूरी भी है। ये प्रदेश खेलों से जाने भी जाते हैं, यहाँ से खिलाड़ी निकलते हैं, यहाँ का खान पान देसी है, देसी लोग हैं। जब शुरुआत बचपन में होती है, पहला सपना जो देखते हैं हमारे, वो सेना में जाने का देखते हैं या फिर मेडल लाने का देखते हैं, तो खेलों का यहाँ पर बहुत महत्व है। और गाने बजाने का भी अपनी जगह है। हालांकि मैंने जब शुरू किया था तब थोड़ा सा फैमिली और परिवार यूं मानते थे कि ये फील्ड ठीक नहीं है, यहाँ जाना ठीक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसको भी एक्सेप्ट किया, म्यूजिक को भी, इसको भी एक्सेप्ट किया। भाई हम अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं कैसे अपने देश प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं। और खिलाड़ी अपने लेवल पे, वो तो घने बड़े लेवल पर करने लग रहे हैं, मतलब उनको तो सैल्यूट है हमेशा खिलाड़ियों को, जवानों को। मंगेशकर की भी उतनी इज्जत करते हैं जितनी दारा सिंह की करते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई मधुर सा गीत जो आपको पसंद हो, आज के मौके पे हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको सुनकर बनाए। देखिए मैं फौजियों की मैं बात कर रहा था, जवानों की, तो जवानों का एक गीत जो काफी लोगों ने पसंद भी किया था, वही मैं आपको सुनाऊंगा। के हाथ में बंदूक लेके, सर पे संदूक लेके, हाँ जाना पड़े ओडरा पे, ड्यूटी लागे बॉर्डरा पे, खड़े रहो सीने में फौलाद भर के, रोई जा से घर क्या न याद करके। को बच्चियों को मैंने देखा, जितना हौसला आपके आने से हुआ उतना तो सच में मेरे और जोगा जी के आने से सच में बड़ी रौनक है। क्या कहना चाहेंगे एक एक पहलवान को, एक महिला पहलवान को टॉप पे पहुंचने के लिए कितना जटिल प्रयत्न करना पड़ता है, ये बताओ। देखो मैं मानती हूँ, मैं खुद भी पहलवानी कर रही हूँ अभी हाल फिलहाल में जी जी। तो मैं मानती हूँ कि जो जो भी मतलब लड़की या लड़का पहलवानी कर लेता है उसको जिंदगी में सब चीजें आसान लगने लग जाती है। तो ये बहुत ही जटिल कार्य है, बहुत आसान कार्य नहीं है। अच्छा। इसमें मेहनत के साथ साथ आपको एक जीवन भी मतलब एक कुश्ती के हिसाब से ही जीना पड़ता है। और मतलब ये भी कंफर्म नहीं कि आप मेहनत करने के बाद भी आपको उतना ही फल मिलने वाला है कि नहीं। तो वो एक सब्र भी एक जो पहलवान के अंदर है वो सबसे ज्यादा होता है, और बड़े ही भोले भाले और सादे होते हैं पहलवान। तो आपके ही क्षेत्र के अंदर में आज कुश्ती का आयोजन हुआ है जिसमें महिला है, क्या क्या कहना चाहेंगे आप इन महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए? जोगा पहलवान जी ने इस आउटर दिल्ली में पहली बार ये इस तरीके की, जोगा पहलवान जी खेल के बहुत प्रेमी हैं और हरियाणा में खेल प्रोटेस्ट के हमारे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। पूरा आयोजन जगह जगह करते रहते हैं। आज यहाँ तितिक्षा पब्लिक स्कूल में महिला रेसलिंग का ये जो आयोजन किया है, मैं साधुवाद देता हूँ। इससे यंग बच्चों को बढ़ावा मिलता है। भारत के अंदर जो नर्सरी है, जो खेल, और विशेषकर मैं अगर बाहरी दिल्ली और हरियाणा की बात करूँ तो यहाँ से सबसे ज्यादा पहलवान इसमें निकलते हैं। वैसे तो इसके अकोला और दूसरी जगह तैयारी के लिए भी पहलवान जाते रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और ओलंपिक रेसलिंग एसोसिएशन के माध्यम से अगर इन पहलवानों को और मौका मिले तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिए और अच्छे मेडल आ सकते हैं। इस देश के अंदर एक परंपरा रही है, जो पहलवान मेडल लेकर आता है उसको तो सारी सरकारें, सारे एसोसिएशन, चाहे वो ओलंपिक एसोसिएशन हो, चाहे वो रेसलिंग एसोसिएशन हो, सब उसके वाहवाही करते हैं। परंतु वहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है, उसके परिवार को कितना संघर्ष करना पड़ता है, उसके योगदान में जोगा पहलवान में समझता हूँ एक अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जोगा जी को और इनके सारे आयोजकों को बधाई देना चाहूंगा। स्कूल में आपने बच्चों को एकेडमिक शिक्षा तो काफी दी, आज ये अगले कुश्ती शालिनी के सब गढ़ और मुस्कान मिर्जापुर दोनों तैयार हो जाओ बेटा तुम भी। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हम इनको यहाँ पर इस प्रयोजन को करने के लिए हमने जगह दी। परंतु इस सम्मान के साथ साथ महिला सम्मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। यदि महिलाएं इस तरीके से आगे बढ़ती रही तो हमारे देश का नाम अपने आप ही ऊंचा होता चला जाएगा। आज के दो शब्द आज के कार्यक्रम के बारे में बोलिए। आज के कार्यक्रम के बारे में ऐसा है, जैसे हमारा ये बेटा है जोगा का, ये हर साल दंगल कराता है, लड़कियों का भी और लड़कों का भी, गाँव में कराता था। अब की बार इसने जो है ना स्पेशल ये चुना कि भाई लड़की लड़कियों का ही दंगल कराएंगे, बेटियों का ही दंगल कराएंगे। जैसे आप पूछ रहे थे कि भाई जो पहले पहलवान हमारी बेटियां बैठी थी, और तो इस वजह से इकट्ठा दंगल कराने में कुछ तकलीफ महसूस होती थी, तो इन्होंने ये चुना और हमने भी इसको मान्यता दी, भाई तू दिल्ली करा, वहाँ जो है ना पूरी फैसिलिटी होगी, अच्छी वे आएंगी। और भाई बहुत ही बढ़िया काम करता है, ये कई 10 साल से लगभग कर रहा है,
और आगे भी इसको हमारा गांव की तरफ से भी पूरा सपोर्ट होता है। अगर आप गांव में दंगल में कभी गए हो तो देखा होगा, वहां तो जो है ना काफ़ी हज़ारों की संख्या में दरकस होते हैं और भाई पूरी इनाम दी जाती हैं। बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलाता है। इसके लिए इन बच्चों के लिए हम कहना चाहूँगे भाई मेहनत करो, हार से आगे जीत है। जो आज एक बार यहाँ अगर कोई, क्योंकि वेट की कुश्ती है, वेट में एक जीतेगा, एक सेकंड, एक थर्ड, तीन पोजीशन आएंगी। कुछ जो बच्चे रह जाएंगे वे मेहनत करो अगले दंगल में। ये हमने पहले देखा है, ये हमारे कोच हैं जितने, ये पहले कुश्ती करते थे, कभी पीछे रह जाते थे, अगले दंगल में उसने उसी को पटकने दी है। और ये संयम का खेल है, अनुशासन का खेल है। इसमें पहलवान की सबसे बड़ी इज्जत अनुशासन की है, उसने गुरु की आज्ञा में रहना होता है। तो आप कहीं भी किसी भी प्लेयर को देख लो, और कोई भी प्लेयर जो है ना किसी के पैरों की तरफ हाथ नहीं करेगा, पर पहलवान जहाँ होंगे वे हर आदमी के पैर छू के। हाँ हाँ, यहाँ पहलवानों में ये परंपरा है। दर्शकों आप देख रहे हैं, ये लड़की जो सामने आपको नजर आ रही है, ये आज इस महिला कुश्ती के प्रतियोगिता में नंबर वन पोजीशन पे आई है। प्रिया अपने बारे में बताओ, कितना वर्ष लगा, कितना मेहनत, कितना समय लगा तुम्हें इस श्रेष्ठ पद को पाने में? मैं 2017 से प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो 5 साल हो गए मुझे खेलते हुए। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत अच्छा डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है, सुबह शाम प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है। कितने घंटे प्रैक्टिस करती हो रोजाना? सुबह शाम 4 घंटे, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम। और साथ में पढ़ाई भी चल रही है? साथ में पढ़ाई भी करती हूँ, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। दिल्ली से ही हो ना? नहीं, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? हरियाणा में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट जींद है मेरा और गाँव निडाणी। बहुत बढ़िया, आज तुमने यहाँ पर 150 लड़कियों में नंबर वन पोजिशन प्राप्त करी है, सुपर टॉप आई हो, इसका क्रेडिट, इसका श्रेय किसको देती है? क्रेडिट मेरे कोच हैं, मम्मी पापा और सभी मेरे गांव वाले सब मेरा बहुत साथ देते हैं, सबसे ज्यादा मेरे गुरु और मेरे मम्मी पापा को। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।